सो हेय गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे। और यार क्या बात करते हैं अपने गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न के। तो देखो गाइस, गैलेक्सी इवो बंडल है ना, वो अपने फ्री फॉर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे है, जो अपने नवंबर मंथ के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो गाइस, दिवाली इवेंट और FFWS इवेंट, यार इन दोनों इवेंट के बीच में ठीक है डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं होगा। अगर बात करें गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न की, तो यार मैं तुम्हें एक चीज कह सकता हूं, बुया बंडल रिटर्न से ज्यादा इसके हाई चांस है, क्योंकि FFWS इवेंट आते आते ठीक है भाई थोड़ा ज्यादा टाइम तो बीत चुका होगा ही। देखो गाइस, 80% चांस है कि आपको अपने फ्री फॉर वर्ल्ड सीरीज इवेंट में गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाए। अगर गाइस अपना गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला होगा ना, वो आपको देखने को मिलेगा 10 से लेकर 20 नवंबर के बीच में। तो इस डेट को सेव कर लेना, इन डेट के बीच में आने वाला होगा तो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अपना कोबरा बंडल भी नवंबर मंथ से कनेक्टेड है, यानी कोबरा बंडल और दिवाली का आपस में थोड़ा बहुत कनेक्शन रहेगा। इंडियन सर्वर के अंदर कोबरा बंडल रिटर्न की डिमांड काफी ज्यादा है ठीक है, मुकाबले वाइज सभी बंडल के। गैलेक्सी इवो बंडल रिटर्न कंफर्म नहीं आएगा, इसके पीछे भाई रीजन अपना कोबरा बंडल भी है, क्योंकि दिवाली के टाइम आपको अपना कोबरा बंडल रिटर्न में देखने को मिल सकता है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई चांस ऐसा बोल रहा हूं। देखो यार, दिवाली कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गरेना कोई ना कोई एक इवो बंडल को रिटर्न में जरूर देगा, और मुझे हाई चांस लग रहा है अपना कोबरा बंडल का। अगर कोबरा बंडल नवंबर मंथ में यानी दिवाली का टाइम नहीं आता, तो ये आपको देखने को मिलेगा अपने जनवरी या फिर फरवरी मंथ में, यानी भाई अब आपको सीधा जाना पड़ेगा अपने 2024 में। तो यार इन मंथ में ठीक है गाइस, ऐसे ऐसे इवो बंडल रिटर्न में आ सकते हैं जिनका मैंने आपको पॉसिबल चांस वगैरह बता दिया। बाकी भाई सब कुछ गरेना के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना, आने वाले टाइम में इवो बंडल रिटर्न रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट मिलेगी या फिर हिंट मिलेगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा।